आप में से जो लोग पहले सहयोग के 3 लेक्चर्स में आए हैं उनके लिए ज़्यादा आसान होगा समझने के लिए, क्योंकि गुरु का स्थान हमारे अंदर काफ़ी ऊंची जगह है। गुरु का स्थान हमारे अंदर स्थित है, कोई उसमें नई चीज़ करने की नहीं है। परमात्मा ने हमारा जो ये साधन बनाया हुआ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको बहुत सुंदरता से बनाया है। इसके एक एक चक्र जो कि हमारे लिए अदृश्य ही हैं लेकिन अंदर स्थित हैं, और जिससे ये दृश्य जगत हमें जान पड़ता है, बहुत सुंदरता से रचे हुए हैं। किंतु मनुष्य अति पे रहता है, हमेशा अति पे जाने की वजह से उसने अपने इस साधन को बिगाड़ लिया है। उसी प्रकार गुरु का जो स्थान है उसे भी मनुष्य ने बुरी तरह से बिगाड़ लिया। अभी गुरु का स्थान हमारे अंदर इस पूरी जगह या प्रांत में है, इस पूरे देश में गुरु का स्थान है। पेट के अंदर चारों तरफ नाभि चक्र से जुड़ा हुआ, नाभि चक्र पे मैंने एक दिन पहले बात की थी, जिसमें मैंने विष्णु की शक्ति का वर्णन किया था, और विष्णु की शक्ति के ही कारण आज आप अमीबा से इंसान बने हैं, और उसी शक्ति के कारण आप इंसान से अति मानव बनने वाले हैं। अब ये जो गुरु की शक्ति हमारे अंदर परमात्मा ने पहले ही से स्थित की हुई है, इसके लिए अनेक गुरुओं के अपने अंदर अवतरण हुए हैं। अब पहले हम लोग देखें कि गुरु तत्व बना कैसे, इसको समझना चाहिए कि गुरु तत्व अनादि है और वो कैसा बनाया गया। हमारे अंदर 3 शक्तियाँ अदृश्य रूप से कार्यान्वित रहती हैं। प्रथम शक्ति जो है उसको हम कहते हैं महाकाली की शक्ति, आप कहिए कि आपके अस्तित्व की शक्ति, जिससे आप में अस्तित्व है, इस सृष्टि में अस्तित्व है, इस संसार में अस्तित्व है, वो शक्ति महाकाली की है, जो हमारे अंदर ईड़ा नाड़ी से चलती रहती है। इस ईड़ा नाड़ी का स्थान हमारे बाईं ओर, जिसे कहना चाहिए कि लेफ्ट साइड में रहता है, और लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड की सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को चालित रखती है। इसलिए लेफ्ट साइड की जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमें इच्छा देती है। इच्छा करने से ही मनुष्य कार्यान्वित होता है, और इसलिए दूसरी जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है वो हमें क्रिया शक्ति देती है, इसको हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। तो हमारे पास एक तो महाकाली की शक्ति है और दूसरी हमारे पास महासरस्वती की शक्ति है। क्योंकि हम इनके नाम अंग्रेजी में नहीं कह सकते, इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं ये बड़ा अनसाइंटिफिक मामला है, लेकिन इससे बड़ा साइंस और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज़ आपने देखी नहीं, जो आपके लिए अलग है, जो परोक्ष में है, जिसे आपने जाना नहीं, जो ऊपर में है उसे आपने देखा, लेकिन अगर पीछे की इसकी शक्ति ही को आपने नहीं जाना है तो उसके बारे में बात करने से भी आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन सहजयोग में जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लग जाती है, तब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नाड़ियों के असंतुलन आदि अनेक दोषों के कारण कुंडलिनी किस तरह से रुक जाती है, फिर किस तरह से उसे संतुलन देना पड़ता है। ये दोनों शक्तियाँ एक और 3री शक्तियों से लावित हैं, जो कि महत्वपूर्ण है और जो ही हमारी कमाई है। आज हमारी मानव चेतना जिस स्तर पर पहुँची है, ये हमारी 3री शक्ति की द्योतक है, ये महालक्ष्मी की शक्ति है। इस शक्ति से हम आज अमीबा से इंसान बने। अगर मनुष्य अमीबा रह जाता तो क्या हर्ष था? कौन सी ऐसी आफत आई हुई थी कि इतनी योनियों में से गुजार के आज मनुष्य का सुंदर स्वरूप परमात्मा ने निर्माण किया? क्या कभी आप सोचते हैं कि क्यों परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया? क्या विशेषता हमारे अंदर है जिसकी कि हमें अभी तक गंध भी नहीं और हम जानते भी नहीं हैं, उसकी हमें खबर भी नहीं है कि हम किस लिए संसार में आए हैं? ये साधन जो विशेष तरह का एक मानव बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया? इस मानव को पहले समझ लेना चाहिए कि ये महालक्ष्मी शक्ति से हमारे अंदर आज इस स्थिति में पहुंचा है जहां मानव चेतना पहुंची गई। विस्तार पूर्वक मैंने एक दिन पहले दादर में सब कुछ बताया था, इसलिए इन 3ों शक्तियों के बारे में मैं अधिक चर्चा नहीं करूँगी। लेकिन ये 3ों शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, और इन 3ों शक्तियों का समन्वय जहाँ होता है, ये 3ों शक्तियाँ जब एकत्रित हो जाती हैं और इन 3ों शक्तियों का
जब बिल्कुल बाल्य स्वरूप पैदा हो जाता है कि जो किसी भी चीज़ से खराब नहीं हो सकता, जिसके अंदर किसी भी तरह की त्रुटियाँ नहीं आ सकती, जिसके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं आ सकता, जो बिल्कुल हमेशा नवीन रहता है, ये तत्व गुरु तत्व है। बालक के अंदर अहंकार नहीं होता, बालक के अंदर किसी चीज़ से लगाव नहीं होता है, वो पूरी तरह से निर्लिप्त रहता है। आप देखिए छोटे बच्चे खेलते हैं, खूब नाटक बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, उसके बाद उसको लात मार के चले जाते हैं, या ज़्यादा देर थोड़ी देर खेले कूदे उसके बाद कुछ नाटक किया उसके बाद सब खत्म हो गया। उनके लिए सभी कुछ नाटक रहता है और वो त्रस्त की जैसे बातें करते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे से कहो कि अच्छा बेटे अब तुम घर जाओ, तो कहेगा कि माँ देखो ये मुन्ना है ना, ये जाएगा नहीं, ये मुन्ना जाएगा नहीं, माने वो कोई और है और ये मुन्ना कोई और है, हमेशा त्रस्त जैसी बात करते हैं। लेकिन जब मनुष्य बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर दो ग्रंथियाँ या दो विशेष तरह की संस्थाएं तैयार होती हैं, जिसको कि हम अंग्रेजी में ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। ये हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है, इसके उपयोग से होती है। अगर मनुष्य बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति से भरा हुआ हो और पूरी समय इच्छाएं करता रहे, तो उसके अंदर सुपर ईगो नाम की शक्ति तैयार हो जाती है, एक कहना चाहिए एक संस्था हो जाती है, और वो संस्था हमारे सर के अंदर इधर से घूम करके इस तरफ में सब छा जाती है, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया। दूसरी संस्था हमारे अंदर क्रिया शक्ति से पैदा होती है, जिसे हम लोग अहंकार कहते हैं और अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। ये हर इंसान में, जो इंसान कोई सा भी कार्य करता है, उसके अंदर पैदा हो जाती है। ये संस्था का मतलब ये है कि मनुष्य सोचता है मैंने ये काम किया, मैंने मकान बनाया, मैंने ये घर बनाया, उस चीज़ के प्रति एक तरह का कर्तापन जब आदमी में उभर आता है, उस कर्तापन से ही ये संस्था ईगो की तैयार हो जाती है। ये दोनों संस्थाएँ जा करके जब सर के या मध्य भाग में या फॉन्टेनेल बोन की एरिया में यहाँ जा करके एक के ऊपर एक ऐसे जम जाते हैं, तब यहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाता है और हमारी तालू बचपन में कोई 3-4 साल के उम्र में पूरी तरह से भर जाती है। पर इसका पूरापन असल में जब हम भाषा खूब अच्छे से बोलने लग जाते हैं और भाषा पे प्रभुत्व पा लेते हैं, तब अच्छे से जम जाता है। उसके भी अनेक कारण हैं, पर आज हम गुरु तत्व की बात कर रहे हैं। अब गुरु तत्व जो है, ये इन तीनों शक्तियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों का समन्वय है, और ये एकदम नूतन स्वरूप हमारे अंदर परमात्मा ने समाये हुए। आप तो जानते ही हैं कि दत्तात्रेय जी का जन्म किस तरह से हुआ था, उसके बारे में फिर से मुझे बताने का नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब पावित्र के सामने जाकर खड़ी हो गई, तो उस पावित्र ने उनको वो नूतनता, वो उनका भोलापन दे दिया। वो भोलापन से भरी हुई ये तीनों शक्तियाँ जो हैं, वो एक दत्तात्रेय जी के अंदर समाई हुई हैं, और वो हमारे पेट में कहना चाहिए, जिसे हम भवसागर कहते हैं, उसमें समाई हुई है। विराट के अंदर जो भवसागर है, उसके अंदर ये शक्ति समाई हुई है, और ये अनेक बार जन्म लेती है। जैसे आदिकाल से आदिनाथ, ये भी इसी शक्ति के अवतार थे। एक ही शक्ति है, वो अनेक बार जन्म लेती है। आदिनाथ जी जो कि अभी भी जैन लोग वगैरह उसका प्रार्थना करते हैं और उनको मानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ये शक्ति का अर्थ क्या है। सबसे पहली चीज़ इस शक्ति में ये है कि ये शक्ति में कोई धर्मांधता नहीं, सन्यासी की कोई जात नहीं होती, कोई उसके कोई वर्ण नहीं होता है। वो सन्यासी का मतलब ऐसा है कि वो सब जाति धर्म सबको मानता है, और अगर कोई भी गुरु अपने को किसी एक विशेष धर्म का अभिनेता समझे, तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु नहीं। गुरुत्व की पहली शक्ति यह है कि उसके अंदर सर्वधर्म का जो कुछ भी निचोड़ है, इसेंस है, उसकी जो नूतनता है, उसका जो भोलापन है, वो उसके अंदर भरा होना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने को किसी धर्म गुरु के नाम से सामने आता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये एक झूठा आदमी है, और इसके पीछे का जो धर्म है वो भी महाझूठा है। इसका आपको उदाहरण हम बता सकते हैं, सहयोग में बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक महाशय हैं, हमसे मिलने आए थे जब हम लंदन में थे, तो कहने लगे कि माँ मेरे पेट का कैंसर है, मुझे ठीक कर दिया। वो स्वयं मुसलमान है, ईरान के रहने वाले डॉक्टर। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा किस पर विश्वास है, तो कहले मोहम्मद साहब पे। मैंने कहा कि क्या सिर्फ मोहम्मद साहब पे, कहले हाँ, और किसी पे नहीं, कहले किसी और पे नहीं मेरा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे पेट का कैंसर नहीं ठीक कर सकता, मुझे माफ़ कर, क्योंकि पेट का कैंसर इस तरह के धर्मांधता से होता है कि एक मोहम्मद साहब मात्र हैं। मोहम्मद साहब हैं, ये भी दत्तात्रेय के ही अवतरण है पूर्णतया, और कुछ नहीं। मतलब ये कि वो स्वयं साक्षात दत्तात्रेय, इसमें कोई शंका की बात नहीं।
लेकिन वही एक अवतरण नहीं है, इसलिए मोहम्मद साहब ही उनके पेट में जाकर गुस्से हो। समझ लीजिए आप इस देश के प्रेसिडेंट हैं, और आप अगर महाराष्ट्र में आए तो लोग आपका आदर करें क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, पर अगर आप बंगाल में जाएं और आपका आदर नहीं हो तो क्या प्रेसिडेंट साहब आपसे नाराज नहीं हो जाए? उसी प्रकार ये एक ही शक्ति अनेक बार जन्म में आती है, और जब ये अनेक बार जन्म में आती है, हालांकि उसके नाम अलग होते हैं, उसकी जगह अलग होती है, जिस तरह की ज़रूरत होती है उसी प्रकार ये शक्ति संसार में जन्म लेती है। लेकिन इसका कभी भी अर्थ ये नहीं करना चाहिए कि वो एक शक्ति आई उसके बाद कोई शक्ति नहीं आई, जिस प्रकार कि हम लोग हमेशा करते रहते कि एक गुरु को मान लिया फिर और गुरु हो ही नहीं सकते। अब इन महाशय जी जिनको कि बुरी तरह से तकलीफ थी पेट की, ये दो तीन दिन बाद फिर आए, कहले माँ इसको तो ठीक करना ही होगा। मैंने कहा अगर ठीक करना है तो तुम्हें दत्तात्रेय जी को मानना पड़ेगा, नानक जी को मानना पड़ेगा। वो कहा अच्छा जो भी कहोगी वो मानूंगा मैं। फिर मैंने उनसे कहा कि अब तुम प्रार्थना करो नानक जी से कि मुझे क्षमा करें, मोहम्मद साहब से भी प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करें, और उसके बाद उनका कैंसर भी ठीक हो। आपको आश्चर्य हो गया कि आजकल इतनी संस्थाएँ पॉलिटिकल भी राजनैतिक आदि बन जाती हैं, जिसमें लोग ये सिखाते हैं कि इनके धर्मगुरु खराब हैं, उनके धर्मगुरु खराब। वास्तविकता यह है कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो डिसाइपल्स हैं जो अपने एक धर्म के कहते हैं मुसलमान, उतने ही बुरे हैं जितने हिंदू, हिंदू उतने ही बुरे हैं जितने ईसाई, और ईसाई उतने ही बुरे हैं जितने और धर्म के लोग। इनके जितने भी डिसाइपल्स हैं इन्होंने अपने गुरु को पहचाना नहीं और उनके कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं चलता। इसका एक उदाहरण मैं आपसे दे सकती हूँ कि समझ लीजिए कि ईसाई लोग ईसा मसीह ने अगर कोई बात खास कर कही होगी तो ये कि तुम लोग किसी भी मृत चीज़ के पीछे में मत जाओ, और भूत पिशाच आदि चीज़ों के पीछे में तो बिल्कुल नहीं जाना। किसी भी तरह से आपको चाहिए कि आप भूत पिशाच आदि जो कुछ डेड है उसे दूर रहें। इतनी खोल के बात मेरे ख्याल से जितनी ईसा मसीह ने बताई है सिर्फ नानक साहब ने बताई। इतनी खोल के बात बताने पर भी आप किसी भी ईसाई धर्म को जानने वाले या धर्म को पालन करने वाले या किसी भी राष्ट्र में जाके देखो तो आपको आश्चर्य होगा। लंदन में जहाँ मैं रहती हूँ हर एक चर्च के अंदर में नीचे मुर्दे गड़े पड़े, आप वहाँ पाँव रखे तो आपके पैर चपके खाते। हर एक चर्च के अंदर मंदिर के अंदर उन्होंने मुर्दे गाड़ के रखे, जिस चीज़ को बिल्कुल मना किया गया था उसी को बराबर ये लोग करते। अब आप हिंदुओं की अकल देखिए, हिंदुओं की अकल उससे भी बढ़ गई। हिंदुओं के लिए बताया गया था कि सर्वधर्म एक ही है, इतना नहीं तो इतना भी बताया गया था कि तुम्हारे अंदर सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, एक ही परमेश्वर का प्रतिबिंब जो आत्मा है सबके अंदर एक आत्मा का वास है। अभी जाति पाति लेकर के झगड़ा करने वाले हिंदुओं से बढ़ के तो कोई, जब सबके ही अंदर एक ही आत्मा का वास है, और जब ये भी बताया गया कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तब आज आप हिंदू हैं तो कल मुसलमान होंगे, कल मुसलमान है तो परसों ईसाई होंगे, नहीं तो आप कल चमार भी हो सकते हैं, और नहीं तो आप और भी निम्न श्रेणी के हो सकते हैं। बड़े अपने को बड़े बड़े कहने वाले लोग जो कि अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बड़े भारी हिंदू हैं, उनका व्यवहार ऐसा है कि चमारों से भी बदतर, उनसे शूद्रों से भी शूद्र, अति शूद्रों जैसे वो लोग आप देखते हैं जो मंदिरों में बैठ करके वहाँ दक्षिणा वगैरह लेते हैं। उनके बारे में आप अगर देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इनका और परमेश्वर का कहीं संबंध भी है कि ये परमेश्वर के दुश्मन यहाँ बैठे। मैं वृंदावन गई थी, वृंदावन में, और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने वहाँ पंडे बैठे हुए हैं सारे राक्षस हैं, राक्षस, और राक्षस ही नहीं है सारे कंस के अनुचर हैं। वो कृष्ण के सामने बैठ करके कृष्ण की बदनामी कर रहे हैं, इतना नहीं जो जितने भी आते हैं उनके अंदर भूत भर रहे हैं और सबका सर्वनाश कर रहे हैं। उन मंदिरों में से और उन सुंदर जगहों में से कृष्ण स्वयं उठ गए हैं, वो वहाँ रहना ही नहीं चाहते, ऐसी गंदी जगह, और आप आंखों से देखते हैं कि आपको रात दिन लूट रहे, आपके साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं, आपको इतना झूठ बता रहे हैं, गांजा और क्या क्या ये चीज़ें होती हैं वहाँ बेचते हैं, औरतों को बेचते हैं, जेवर चुराते हैं, कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं, तो भी हम उनको महागुरु समझ करके सब उनके चरणों में चले जाते हैं। आपने ये सब काम किए लेकिन आपके बच्चे काम नहीं करने वाले, इसका दुष्परिणाम एक ही होने वाला है। वो दुष्परिणाम ये है कि आपके बच्चे कहेंगे कि ये परमात्मा परमात्मा कोई चीज़ नहीं, ये सब झूठ बात है, ये एक ढकोसला। इसका परिणाम अनेक देशों में हुआ है, जैसे हमारे एक शिष्य हैं और वो अल्जीरिया के रहने वाले मुसलमान हैं, वो जब लंदन आए, लंदन में वो
हमारे पास आए तो उनका कि माँ मेरा तो विश्वास ही नहीं भगवान। हमारे यहाँ जितने यंग लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वकील हैं, उनका कोई विश्वास परमात्मा पे नहीं। वो कहते हैं ये सब फैनेटिसिज्म है, सब झूठ है, ये पैसा कमाने के धंधे, और ये सारी संस्था ही बिल्कुल गलत है। उसके बाद जैसा कि सहयोग का एक बड़ा भारी वरदान रहता है, वो एकदम से पार होगा। पार होने के बाद वो सहयोग में जम गए। उन्होंने 500 लड़कों को पार करा और उनका परमेश्वर पे विश्वास बिल्कुल दृढ़ करा दिया। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम से, एक अति से दूसरे अति पे जाते हैं, तभी बीचों बीच ये गुरु तत्व आपको पकड़ लेता है। गुरु का मतलब वो होता है जो आपको घसीट ले, खींच ले, आकर्षण करे। लेकिन आजकल के गुरु जो आपको आकर्षित करते हैं, वो अनेक नानाविध ऐसी ऐसी चीज़ों से करते हैं कि आप लोगों पर आश्चर्य होता कि आप ऐसे गुरु लोगों को क्यों मानते। ये तो कम से कम जानना चाहिए कि गुरु के अंदर कुछ न कुछ बेसिकली जिसे कहना चाहिए, मूलतः उसमें कोई विशेषता होनी चाहिए। गुरु का मतलब है आपसे ऊंचे उठे हुए आदमी, आपसे एक ऊंची दशा में पहुंचे हुए आदमी। आपसे जो निम्न स्तर पे है वो आपके गुरु कैसे हो सकते। जो आदमी पैसा खाता है आपसे, आपके पैसे पे जीता है, जो एक पैरासाइट है, आप कभी किसी के यहाँ जा करके मुफ्त रहेंगे, मुफ्त खाना खाएंगे? जो आदमी जिंदगी भर यही करता आया, वो आदमी आपका गुरु कैसे हो सकता है? वो आपका आश्रित हो सकता है, नौकर हो सकता है? वो आपका गुरु कैसे हो सकता है जिसने जिंदगी भर कोई काम धंधा नहीं किया और सिवाय आपसे पैसा लेकर के उस पर जीता रहा? इस तरह के पैरासाइट आप सुबह से शाम तक पालते रहते और उनके गुरु मान्यता मान करके और उनके लिए दुनिया भर की चीज़ें आप वहाँ भेजा करते हैं और उनको पूरी तरह से पूरी करते हैं। यहाँ तक इस चीज़ का पहुँच गया है मामला कि कुछ कुछ गुरु तो ये है कि अपने को सोने में, तो कभी हीरे में, तो कभी किसी चीज़ में तौल लेते हैं और वो सारा तौल अपने पास लेकर के कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझे दोगे वो तुमको परमात्मा के पास मिले। इस तरह की झूठी बातें अपनी समाज में इतनी सुशिक्षित होते हुए भी हम लोग मान लेते हैं। मुझे आश्चर्य आप पे नहीं होता, मुझे ज़्यादा आश्चर्य होता है उन परदेसी लोगों पर जो कि अपने को बड़े विद्वान और बड़े डेवलप समझते हैं। इतना गधापंती करते मैंने इन्हें देखा हुआ कि मैं अगर आपको उन लोगों की बातें बताऊं तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि इतने हद तक तो आप लोग जाते ही नहीं गुरुओं के मामले में। गुरु अगर उनसे कहें तो उनकी विष्ठा भी ये खाने के लिए तैयार रहते हैं, इतनी इन लोगों पे हालत खराब है। तब विचार बनता है कि ये इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह से क्यों करते, गुरु तत्व में क्या खराबी आ गई, किस तरह से ये इसको मान लेते हैं। और इसका सीधा सरल, बिल्कुल बहुत ही सरल उत्तर ये है कि ये लोग गुरु तो नहीं है लेकिन ये हिप्नोटाइज करते हैं। इनमें हिप्नोसिस की पावर होती है जिससे आदमी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज करने से आदमी की बुद्धि सारी नष्ट होकर के वो पूरी तरह से इसमें बहता चला जाता है। ऐसे अनेक गुरु इस कलयुग में पैदा हुए, उसमें से कुछ कुछ तो परले दर्जे के राक्षस हैं जिनको कि अनेक बार देवी ने मारा हुआ फिर से वापस आ गए। और ये राक्षस लोग सारी राक्षसी वृत्तियाँ, सारी अनैतिकता, हर तरह की चीज़ आपको सिखाते हैं और आप मुँह बाहे देखते रहते कि क्या मेरे लिए प्रचंड पंडित प्रकांड बिल्कुल वेदांत सुना रहे। गुरु के जो गुण हैं उसमें से पहला गुण यह है कि वो आपके पैसे और आपके धन को ठोकरों पे रखता है, उसके आपके कोई चीज़ की उसको परवाह नहीं, आप उसको बांध नहीं सकते, वो अपना लहर से चलता है। उसका मन हो तो आपसे बात करेगा, नहीं तो नहीं। आपके आगे पीछे दौड़ने वाला वो नहीं, क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपको समझाती हूँ और मैं आपसे समझाती हूँ कि बेटे अपने अंदर के गुरु को जानो, अपने रुख पहचानो। लेकिन जो जो मुझे मिले हैं बड़े पहुँचे, वो तो कहते हैं कि इन गधों को 50 गालियाँ सुनाते, माँ तुम क्यों रियलाइजेशन दे, इनको मरने दो थोड़े देर, इनको ये होने दो। उनके तो लुत्ती ही इतनी अलग है, हाथ में वो लोग एक एक बड़ा बड़ा डंडा, नहीं तो चिमटा लेके बैठते और या तो पत्थर लेके बैठते। कोई आदमी उनके पास आए तो उसको पत्थरों से मांगते हैं, भगो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलना। माँ की दृष्टि और होती है और गुरु की दृष्टि और होती है, और माँ को गुरु जब बनना पड़ता है तो बड़ी परेशानी की बात है। ये हृदय तो इतना भरा रहता है करुणा से और इतना सादर हृदय रहता है, ये निर्वाज बिल्कुल जो प्यार बहा जा रहा है वो देने के लिए माँ इतनी तड़पती रहती है, और उधर गुरुता की वजह से आपके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, आपको बताना भी पड़ता है कि बेटा ये गलत बात है। वो कहते भी तकलीफ होती है पर करना ही पड़ता है। ये गुरु तत्व आपके अंदर है, इसका आपने अनेक बार अपमान किया हुआ है, आपके अंदर बसा हुआ है। अब आपको आश्चर्य होगा कि साधारण मनुष्य में भी ये गुरु तत्व किस तरह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप किसी के घर खाना खाने जाए, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, और अगर आदमी वो दुष्ट प्रकृति का हो या खराब प्रकृति का हो, आप वो खाना पचा नहीं सकते, आपके एकदम उलट जाएगा,
आप घर आएंगे कहेंगे बाबा रे बाबा ऐसा पता नहीं क्या था वहाँ, हालत जी मचलने लग गया। कभी कभी तो यह होता है किसी आदमी को देखो और चक्कर आने लग जाता है कि पता नहीं ये आदमी है। इसी प्रकार एक दिन हम कहीं खाना खाने गए थे तो बहुत ही वो शरीफ आदमी लग रहे थे, उनकी बीवी थी, तीन बच्चे थे, बड़े शरीफ कर बन के घुमा करते थे। और जाते ही साथ मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं सास के साथ चलो अब घर मेरे बसता नहीं। कहा भैया ऐसा कैसे, अब तुम तो चीफ गेस्ट हो यहाँ पर। मैंने कहा चाहे जो भी हो मेरा हाल ख़राब हो घर चलिए, आप मेरे बसता नहीं, यहाँ तो कुछ बड़ी आतंक की बात चल रही। जब मैं घर पर चली आई उसके बाद 8 दिन में एक छोटी सी लड़की, हमारी लड़की साथ पढ़ती थी, वो आई। तो मैंने उनसे पूछा, उसका भी नाम वही था जो महाशय का था। तो मैंने कहा क्या तुम इन्हें जानती हो? कहले वो तो मेरे पिता है। मैंने कहा तुम्हारे पिता है कि तुम्हारी ऐसी दशा को? कहले उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब इस औरत को रखा हुआ है घर में और ये तीन बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उनके आए। और उसकी आँख से एकदम आँसू छल छला पड़े। कहले मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव की थी, इतनी रोई इतना छीका, पर इन्होंने उसे छोड़ दिया और इस औरत को अपने पास रख लिया। अब देखिए कि उस घर में जो दुख था, उस घर में जो तकलीफ उस औरत की थी, उससे सारा वातावरण बिल्कुल दूषित था। और मैं वहाँ उनके सारा जो आमोद प्रमोद हो रहा था उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं ले पा रही थी। मेरा जी खुद इतना दुखी हो रहा था और आँखों से आंसू बार बार टपक पड़ रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस वातावरण में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दुखी जीव है जो कि मेरी आत्मा को अंदर से खींच रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि आपके भी गुरु तत्व में है। आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उनका अन्न पसंद नहीं आता। ये सब गुरु तत्व आपके अंदर है लेकिन आप उसे जागरूक नहीं रखते। अब गुरु तत्व को मारने के तरीके क्या है वो मैं आपसे बताऊँ। मनुष्य किस तरह से अपने गुरु तत्व को मारते रहता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैंने कहा है मैं माँ हूँ, जो सही बात है मैं आपको बताऊँगी और मुझे बतानी पड़ेगी, उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं। और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देख लीजिए। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है जिसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहती है। और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है, उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी जरा सा कुछ तला हुई चीज़ खा ले उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत ज़रूरी। अब यकृत क्या करता है? यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है, ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है। इसको कहना सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजनस, वो सारा काम लिवर करते रहते हैं। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे 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 ये काम होते रहता है। पर कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में, ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओत्से हो और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं। सारे ही गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध में, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है। उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज़, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया और उनको अब उस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में, मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रेजिस है। उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त में पानी, रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है, तब लिवर से ये जो पानी है ये
जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान। लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लीवर है और लीवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है, लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लीवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है। लेकिन जो पानी है जो कि हमारे खून में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं कर पाता। और हर एक जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लीवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है और ऐसा आदमी गर्मी से झुलसते जाता है। लीवर भी यही चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में होती है। कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है। और इसलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता, मुंह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीज़ें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई तो आप सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते। और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है, और वो हार्डनिंग जो हो जाती है इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा जिसे कहना चाहिए गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए फिर ये सड़ जाए। माने इतनी दुर्दशा करने की क्या ज़रूरत है। वास्तविकता शराब चीज़ जो है फर्मेंटेड शराब जिसे कहते हैं, एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ रस हो द्राक्ष का वो तो वाइन हो, पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है वो जो शराब होती है, उस शराब को परमात्मा ने इसलिए बनाया है अल्कोहल को कि कोई चीज़ को पॉलिश करने के लिए, हर एक चीज़ को पॉलिश करना हो, जैसे आपको डायमंड्स उसको पॉलिश करना हो तो आप जिन से करिए, कोई चीज़ को पॉलिश करना तो स्पिरिट से करिए, ये पॉलिश है। और यही पॉलिश जा करके हमारे आर्टरीज में जब जमते जाता है तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज तो होगी। भगवान ने कोई पीने के लिए शराब नहीं बनाई थी, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो है बंदर के जैसा है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए, अब वो जा करके ज़रूर शराब पिएगी। शराब पीने को उसको कहीं कहा नहीं था, पता नहीं उसको कहाँ से एक को मिल गया, उसने अपना शराब लेना शुरू कर दिया, शराब पे शराब पीने लग गया, उसकी जो आर्टरीज थी वो थिकनिंग होने लग गई, अब उसमें मज़ा इसलिए आता है कि आदमी की जो चेतना है वही गुम हो जाए। मनुष्य को ये इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी चेतना गुम हो जाए क्योंकि वो अपने को देख नहीं पाता, वो अपने को समझ नहीं पाता, असलियत से भागता है, वो असत्य पे रहना चाहता है, सत्य क्योंकि उसको लगता बड़ा भयंकर है, भयानक है। ऐसी बात नहीं, सत्य अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है और बहुत ही शांतिदायक और सारे सुखों का आगर सत्य। लेकिन अभी आप उस हालत में हैं कि न तो आपने सत्य पाया है और न तो आप असत्य में, जो आप बीच की हालत में मानव दशा में आ गए हैं, इसीलिए प्रश्न आया, इसीलिए इन गुरुओं का जन्म हुआ कि आपको समझाएं कि ये बीच की हालत में आज आप पैदा हुए हैं, इसमें इतनी घबराने की बात नहीं, इसमें समतोल रहे, अति पे न जाओ, असंतुलन पे मत जाओ, अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपने जीवन में वैवाहिक जीवन में नम्रता से रहो, अपने घर में और अपने व्यवहार में, अपने समाज में सबका विचार रख के संतुलन के साथ रहो। ये नहीं कि एक आदमी बहुत ज़्यादा रईस हो गया, एक आदमी है कि बहुत ज़्यादा बलवान हो गया, दूसरा आदमी है कि उसने बहुत ज़्यादा यश प्राप्ति कर ली, क्योंकि जो नेचर है, जो निसर्ग है, उसके अंदर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप कभी नहीं सुनिएगा कि एक आदमी की ऊंचाई 60 फुट हो गई, कभी नहीं सुनिएगा कि एक पेड़ कहीं जा करके 200 फीट का हो गया। आम का पेड़ उसकी साधारण जो हाइट होगी उतनी है,
अच्छा, ये मानव की भी जो कुछ हर एक चीज़ की फ्लाइट है, जो कुछ उसकी उड़ान है, वो भी एक हद तक होनी चाहिए। जो आदमी अपने को कंपटीशन में डाल करके इस तरह से पागल जैसे दौड़ता है, उसका वही हाल हो जाता है जो आज वेस्टर्न कंट्रीज का हो गया। एकदम पागल है पागल। उनको तो मैं देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इनमें से आधे तो पागलखाने जाने लायक है। तो अभी मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ा कि आधे तो हैं स्किज़ोफ्रेनिक, आधे वहाँ के लोग 50% लोग स्किज़ोफ्रेनिक है। अब आप उनसे क्या सीखने वाले हैं, क्या आपको सबको पागलखाने में जाने का? ये जो कंपटीशन का लाइफ लगा दिया है, इससे मनुष्य जो है हमेशा असमाधानी रहेगा और असमाधान से वो प्रगति उस ओर कर रहा है जहाँ पूरी तरह का सर्वनाश। संतोष से, टेम्परेंस से मनुष्य को अपने अंदर जागना चाहिए। ये जो गुरु का स्थान है, ये धर्म का स्थान है। धर्म माने जिस पर हम धारणा करे हुए हैं, जिससे हम मनुष्य जानेंगे। मैंने कल बताया कि कार्बन का अपना धर्म होता है, सोने का अपना धर्म होता है, शेर का अपना धर्म होता है, बिच्छू का अपना धर्म होता है। ऐसे मानव के भी 10 धर्म हैं। जब मनुष्य इस 10 धर्म से च्युत हो जाता है, जब उससे गिर जाता है, जब असंतुलन में आ जाता है, तब उसका जो है आगे का पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मनुष्य के बाद या तो अतिमानव हो गया, राक्षस हो जाए। जानवर होने की तो कोई स्थिति देखी नहीं जाती। कोई कोई होते भी होंगे जानवर, लेकिन अधिकतर राक्षसी प्रवृत्ति में चले। ये 10 धर्म संभालने चाहिए। अगर कोई कहे कि 10 धर्म में रहो, 10 कमांडमेंट्स हमारे बाइबल में लिखे हुए हैं, 10 कमांडमेंट्स, तो जब वो 10 कमांडमेंट्स की बात लिखी गई है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो साइकोलॉजिस्ट ने एक उसका इलाज निकाला कि ये सब कंडीशनिंग है। आप ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ को मना करिए तो कंडीशनिंग हो जाएगा, उसका प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप संस्कार, अगर सुसंस्कार लोगों पर न डालें, लोगों को सुसंस्कारित न करें, तो आपकी राइट साइड चलने लग जाएगी। लेफ्ट साइड तो आप रोक लेंगे, लेफ्ट साइड का जो जिसको कहते हैं कि सुपर ईगो, तो आप संभाल लेंगे, उनके कंडीशनिंग्स बना लेंगे। लेकिन राइट साइड जो कि ईगो है, आप ईगो ओरिएंटेड हो जाएंगे। आप हिटलर भी हो जाएंगे तो भी आपको पता नहीं होगा कि आप हिटलर होंगे। आप समझे वाह 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 वाह, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, सारे लोग मुझे हार पहना रहे, मेरी आरती कर रहे हैं, वाह वाह वाह, मैं कितना बड़ा आदमी हो गया। और होंगे आप पक्के गधे, गधे भी नहीं, महाराक्षस होंगे। लेकिन आप अपने लिए यही कल्पना कर लेंगे कि वाह 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 वाह, सब दूर जाइए तो मेरी वाह वाह हो रही, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है वो वास्तव में महागधा होता है। उसका वर्णन आपने वाल्मीकि, अगर आप रामायण पढ़ें, या हमारे तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर किया हुआ कि नारद मुनि को एक बार अहंकार हो गया तो वो किस तरह से गधे हो गए थे। लेकिन आज ईगो ओरिएंटेड आदमी इस कदर वलगना करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और लोग उसको इस तरह से सुनते अभिभूत होकर, वाह वाह वाह, ही सो सच अ सक्सेसफुल मैन। और आप अगर देखें उस आदमी का ज़रा सा ये निकाल के, तो इतना बेवकूफ़ और इस कदर छिछलापन उसके अंदर होता है, इस कदर उसकी सतह इतनी ऊपरी होती है कि आश्चर्य लगता है। और यही बात है कि ईगो ओरिएंटेड आदमी आप लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस करता है, आप पे बहुत असर डालता है। अगर कोई आदमी खड़े होकर के तानाशाही करे और कहे कि मैं फलाना ठिकाना, तो सब लोग कहते हैं वाह 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 वाह, क्या अच्छा आदमी मिला। अगर आप कंडीशनिंग को हटा देते हैं तो आदमी बेशर्म हो जाता है। बेशर्म ही नहीं होता है, वो बिल्कुल बेछूट हो जाता है, जिसको अबेंडेंट कहते हैं। धर्म बीचों बीच, ना तो बेछूटता ठीक है, ना ही धर्मांधता ठीक है। नहीं कि बहुत ज़्यादा अंधेपन की बात है, नहीं कहीं कि हम सब कुछ हैं उस अंधेपन में दौड़ने की बात। बीचों बीच परमात्मा का स्थान है, बराबर बीचों बीच धर्म स्थापना होती है। और इस धर्म को संभालना ही अपने गुरु तत्व की रक्षा करना। इस गुरु तत्व की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ, हम अपने गुरु तत्व की रक्षा कैसे करें? पहली बात है कि अपने गुरु कौन है, इसे समझ लेना चाहिए। अब एक महाशय है, वो हमारे गुरु। भाई क्या करते हैं? नहीं ऐसे कुछ नहीं, बस उन्होंने हमको एक नाम दे दिया, नाम दे दिया, बस हो गया। अरे भाई, नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। उन्होंने आपने नाम क्यों दिया? कोई आपका वो चक्र खराब है क्या? आपका कोई प्रदेश खराब है कि वहाँ के राज्य का नाम आपको दे दिया? नहीं, उन्होंने राम का नाम दे दिया, हम राम का नाम जप रहे। राम कोई आपके नौकर है कि आप उठे सुठे राम का नाम लीजिए? आपके गुरु अगर अधिकारी हो तो कभी भी आपको इस तरह से कोई नाम नहीं दे। पहली चीज, कोई गुरु अगर आपको नाम दे तो आप समझ लीजिए कि सबसे गलत बात है। अब इसका मैं उदाहरण आपको बताऊं। अगर समझ लीजिए आपको बीमारी है कोई भी, तो हम आपसे कहेंगे कि अच्छा भाई ठीक है, आपको ये बीमारी है, आप जा करके ये दवा, इस दवा को ले लो। समझ लीजिए आपको पेट की बीमारी, हम कहेंगे अच्छा आप जाके इंटरवायोफॉर्म खा लो। समझ गए? लेकिन हम जिसको देखो उसको इंटरवायोफॉर्म खा लो ऐसा कहें तो आप क्या कहिए? जब आप डॉक्टर ही नहीं हैं, जब आपको निदान ही नहीं मालूम, जब आपको तकलीफ नहीं मालूम, आप कौन सी दवा दे रहे?
और क्या आप हमेशा के लिए वो वही दवा खाते रहो, कहिएगा? तकलीफ कहाँ है, कौन सी तकलीफ है? और फिर जब आप डॉक्टर नहीं है तो आप प्रिस्क्रिप्शन कैसे दे? जो आदमी आत्म साक्षात्कारी नहीं है वो तो पहले गुरु नहीं होता। हम तो एक गुरु साहब से मिले, बहुत मज़ेदार आदमी है, बहुत पहुँचे हुए आदमी है, बड़े मज़ेदार। वो एक साहब को हमने भेजा उनके पास में, देखा जरा इनकी इनकी तबीयत दुरुस्त करो। एक महीने बाद वो आए तो बिल्कुल थके हुए, दुबले पतले हो गए। हमने कहा क्या हुआ, क्या गुरु जी ने क्या किया? कहने कुछ नहीं, रोज़ सवेरे मुझसे कहते कि शिव जी का मंदिर दो, और वो मुझे चढ़ना पड़ता था एक मील, रोज़ एक मील मैं अपने बाल्टी में पानी ले जाकर जाता था, वहाँ धोता था, तीन तीन चार चार बाल्टियाँ ले जाऊँ धोऊँ, उसके बाद आकर कि अभी साफ़ नहीं हुआ, अभी फिर से करो। सारा महीना मुझसे शिव जी का मंदिर धुलाया। मैंने गुरु जी से पूछा भाई ये क्यों करें? कहने गधे को गधे का था, और गधा आदमी है उसको रियलाइजेशन आप दो, मैं तो नहीं देने वाला, आपको देना हो तो। इन गुरुओं का स्वभाव इसलिए इतना कड़क हो जाता है कि उनको मनुष्य की प्रचीति हो गई। वो जानते हैं कि साधारण मनुष्य जो है वो बिल्कुल भी बहुत ही उथला है, और वो करुणा नहीं जो माँ की होती है, उन्होंने खुद मेहनत से सब कमाया हुआ है, तो वो वही चाहते हैं कि ये भी सब मेहनत करें, इनको भी ठीक करना चाहिए। खूब धो पीट करके, जैसे धोबी नहीं मार मार के ठीक करते हैं, ऐसे वो ठीक करना चाहते हैं। माँ की बात और है, माँ कहती चलो भाई जैसा भी है, बच्चे ही हैं इनको दे ही, ये एक बड़ा भारी अंतर पड़ता है। लेकिन इनमें से एक गुरु महाराज की बात आपसे बताएं कि एक गुरु जी बम्बई के पास एक जगह हमारी शिष्या रहती थी, वहाँ पर आया, उनसे कहने लगे कि आपके माता जी कब आने वाले हैं, मैं उनके लिए यहाँ 12 साल से बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या है 12 साल से आप उनके लिए क्यों बैठे? कहले मेरे गुरु जी ने कहा कि वो आएंगे और वही तुम्हारा आज्ञा चक्र ठीक करेंगे। तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने कभी आज्ञा चक्र तो एक मिनट में माता जी ठीक करते, तो एक मिनट में तुम्हें 12 साल यहाँ मरने के लिए क्यों भेजा? कहले क्या बताऊँ, सब दर्द से पड़ा हुआ, अब जब माता जी आएंगे तभी होगी। जब मैं आई तो वो ले गए अपने वहाँ कुटी में जहाँ रहते थे, वो बड़ा उन्होंने बिठाया, कहले मेरे गुरु जी भी आपसे मिलने आए हैं अमरनाथ से। मैंने कहा अच्छा, वो गुरु जी साहब एक तरफ मुँह करके बैठे थे, मैं गई तो पैर छुए बेचारे अपने, फिर से बैठ गए। तो मैंने कहा कि आपने इनका आज्ञा चक्र क्यों नहीं ठीक किया, एक मिनट का काम, आप तो इतने पहुँचे हुए आदमी। कहले मरने दो इसको, 50 उन्होंने गालियाँ दी और मेरे सामने 2 झांपड़ मारी। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतने जोर से इसको मारा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके आने से पहले सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अच्छा आपने कैसे जा? कहले मैंने देखा इससे मुझसे धुआं निकल रहा था, इतना ये दुष्ट आदमी, इसका आज्ञा चक्र आप ही ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो चाहे जो भी हो सिगरेट छोड़ देगा, तुम इसका आज्ञा चक्र तो ठीक करो, मैं नहीं ठीक करने वाला। उसके बाद मैंने उसका आज्ञा चक्र ठीक किया। उसके बाद वो मुझसे कान में कहने लगा कि माँ इनके सामने कुछ मत कहो, 3 दिन से मुझे इन्होंने कुएं पे बांध के रखा था, और 3 दिन मुझे कुएं से नीचे डुबोते थे, ऊपर करते थे और कहते थे तुम्हारा आज्ञा चक्र ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई तुम इसको क्यों टिके हुए हो इस आदमी के साथ में, ऐसा गुरु तुम्हारा दुष्ट है। पहले माँ क्या करूं, अब तो आदत हो गई दुष्टता की, कोई प्यार से मुझे सिखाएगा तो मेरे पास का नहीं रहेगा, इतना इन्होंने मुझे मार पीट करके ठीक किया। ये दृष्टि बहुत से गुरुओं की हो जाती, उसकी वजह ये कि जब तक आदमी कठोरता से पेश ना आए वो सोचते हैं कि मनुष्य ठीक से नहीं चल रहा। लेकिन मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है, मेरी आशाएं बहुत ज़्यादा है, मैं तो सोचती हूँ कि मनुष्य पहले ही से बहुत ज़्यादा संतप्त स्थिति में, और जब तक उसे देखा ही नहीं, वो अलग परोक्ष है, उसको जब तक देखा नहीं तब उनके साथ सदव्यवहार ही करना चाहिए और उनको बताना चाहिए और उनको उस रास्ते पर ले जाना चाहिए। अनेक गुरु जो संसार में आए जिन्होंने हमारा मार्ग अपनाया, जैसा मेरा मार्ग है, ज्ञानेश्वर जी थे, या हमारे यहाँ तुकाराम जी हो गए, हमारे यहाँ नामदेव हो गए, वैसे ही नानक जी हो गए, कबीरदास जी हो गए, इन लोगों ने संसार में रह कर के लोगों की सेवा की और उनको धर्म सिखाया, उन सब के साथ बहुत ज़्यादा सबको इस तरह से सताया गया, मारा गया, पीटा गया, उनको खाने को नहीं, उनको भूखो रखा। ज्ञानेश्वर जी की तो बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे लोग इसको कर पाए, इतनी ज़्यादती उनके साथ लोगों ने कैसी की, इतनी क्रूरता उनके साथ करी है, और आज उनकी पालकी लेकर के घूम रहे। अब ज्ञानेश्वर जी की पालकी चली जा रही। मैंने कहा कि वो कभी पालकी में बैठे भी थे, उन्होंने कभी पालकी का मुंह भी देखा था? 50 आदमी उनकी पालकी लेकर चले और सब उनको खाना खिला रहे, ये किस तरह की धती जिसको कहना चाहिए, किस तरह का झूठापन और किस तरह का अपमान है गुरु तत्व का, कि आप जिस आदमी के लिए कभी भी आपने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसकी आप पालकी बना के घुमाते हैं और उसके दम पर आप खाना खाते हैं। मनुष्य इतना विक्षिप्त है, इतना विक्षिप्त है, और इतनी विक्षिप्तता वो इसलिए लिए हुए है कि परमात्मा ने उसे पूर्णतया स्वतंत्रता दी है कि तू चाहे विक्षिप्त हो, चाहे तू गधा हो, चाहे तुझे जो करना कर, या चाहे तो तू परमात्मा को पाले। मैं माँ हूँ, माँ हमेशा यही प्रयत्न करेगी, बच्चों से यही कहेगी कि बेटे तुम परमात्मा को ही पालो। मेरे
गुरुता इसी में मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत लोग सताते भी हैं और परेशान भी करते हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे साथ शायद ये भी है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है। लोग कहते हैं कि माँ तुम्हारा निर्व्याज प्यार है, चाहे जो भी कहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे उनकी परेशानी ज़रा भी नहीं झुलसती, ना मुझे उसकी कुछ तकलीफ़ होती है। मेरे समय हर समय रहता है कि कितने लोग जल्दी से जल्दी पार हो जाए, कितने लोगों को ये अलख जो है मिलना चाहिए। आज सहज योग उस स्थिर पे आ गया है, उस स्थिति पे आ गया है जिसे आज महायोग कहना चाहिए। जब तक ट्रेन स्टेशन के अंदर न पहुंच जाए तब तक हम नहीं मानते कि ट्रेन से आ गई, या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि नदी जब तक समुद्र में न मिल जाए तो हम उसे संगम नहीं कहते, उसी प्रकार जब तक आपके जीव का शिव से संबंध नहीं जुड़ता, जब तक कुंडलिनी उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद नहीं देती, तब तक इसको योग नहीं कहना चाहिए। तब योग के सिर्फ प्रिपरेशंस होते हैं, जैसे और जो योग हैं, अनेक जो योग हैं, ये सारे योग उसके प्रिपरेशंस हैं। और जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर उठती है तो ये सारे योग अंदर घटित होते 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 कुंडलिनी सहस्त्रार्थ पे आ जाती है और सहस्त्रार्थ पे आकर के इसको छेद देती है। ये सबसे बड़ा महायोग है। इसलिए सहज योग जो अनादि काल से चल रहा है, सहज जो आपके साथ पैदा हुआ है, जो आपके साथ अनेक वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी आज परिपूर्ति होने की बात आई हुई है, उस सहज योग का आज महायोग नाम देना चाहिए। पर मैंने शुरुआत में यही विचार किया कि मनुष्य की बात है, अगर मैंने पहले से महायोग शुरू किया तो इन्होंने महाकाल शुरू कर देंगे और सब मेरे पीछे लग जाएंगे हाथ धो करके कि बड़े आए महायोग करने वाले, आप कौन होते हैं महायोग करने वाले, सब खड़े हो जाएंगे डंडे ले ले करके। इस वजह से मैंने इसका नाम महायोग नहीं कहा, लेकिन सहयोग की आज स्थिति महायोग पर पहुंच गए और आप महायोग के स्थिति पर आ गए हैं। ये समय आ गया है कि आपके जितने भी गुरु तत्व आज तक के पले हुए हैं, पोसे हुए हैं, वो सारे के सारे फलीभूत होने वाले हैं और उस फलस्वरूप आपको आज वो चीज़ मिलनी चाहिए जो अनेक वर्षों से गुरुओं ने आपको देने की कही थी कि आपको मिलेगा। ये समय आने वाला है, होने वाला है। होता था एक दो, पहले गुरु लोग एक या दो शिष्य रखते थे। ज्ञानेश्वर जी के कितने शिष्य थे? एक। फिर उनके कितने शिष्य थे? एक या दो। इतना समुदाय कोई अपने शिष्य या बच्चे नहीं बनाता था, ना कोई इतने आत्म ज्ञान देने की बात करता था। लेकिन जब तक कोई चीज़ सामुदायिक नहीं होती और सर्वसामान्य को नहीं मिलती, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और समय आ गया है कि आज सामुदायिक को मिले, इसलिए आप सबको ये मिलने का बिल्कुल पूरा अधिकार है, क्योंकि आपके अंदर ये पूरी चीज़ समाई हुई है, आपके अंदर सारी चीज़ बसी हुई है और ये आपको मिलना चाहिए। अब मैंने ये कहा कि एक एक विषय पे मुझे 7 दिन चाहिए, तो आप लोगों ने एक दिन में मुझे 3-3 विषय दे दिए, तो बड़ा 3-3 आता है, इसको कैसे छोटा करें। हालांकि अब इतना ही कहने का है कि गुरु तत्व के प्रति सिर्फ नमस्कार करके मैं आपको कृष्ण शक्ति अब बता दी। कृष्ण शक्ति जो हमारे अंदर है, ये मनुष्य की शुरुआत है। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर की तब उसके अंदर इस चक्र की स्थिति बनी है, जिसको कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जिसके अंदर 16 पंखुड़ियाँ हैं, जो कि हमारे पीछे के हिस्से में, यहाँ पर अगर आप गर्दन के पीछे के हिस्से में देखें तो इस जगह पे वो है, जहाँ मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली और सर सीधी गर्दन कर ली, वहाँ पर कृष्ण शक्ति जागृत हो गई। अब कृष्ण की शक्ति जो है, ये समझना चाहिए कि इवोल्यूशन की परिपूर्णता। पहले तो हम अमीबा थे, वहाँ से मछली कछुआ वगैरह होते हुए हम राम और राम से आगे कृष्ण तक पहुँच गए। कृष्ण ये संपूर्ण शक्ति है, विराट। जब आपकी कृष्ण शक्ति जागृत हो जाती है तब आपका संबंध विराट से होता है, माने जिसको कि अंग्रेजी में मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म कहते हैं, जिसे समष्टि और व्यक्ति इस तरह से कहा जाता है। उस समष्टि में आप समा जाते हैं, आपकी व्यक्ति उससे कनेक्टेड हो जाती है, ये कृष्ण शक्ति से होती है। इसीलिए मेरा प्रोग्राम चलते वक्त मैं आपसे कहती हूँ, इस तरह से आप मेरे और हाथ करें, इस तरह से हाथ करके अगर आप लोग बैठे रहें तो ये कृष्ण शक्ति आपके अंदर यहाँ पर जागृत हो जाएगी और आपका संबंध जो है वो विराट से हो जाएगा। विराट की शक्ति जो है, उसका नाम विराटांगना है। वो शक्ति सब दूर हमारे अंदर समाई हुई है और जिस वक्त आपको ये शक्ति मिल जाती है, जब आप कृष्ण की शक्ति को पा लेते हैं, तब आपके अंदर में साक्षित्व आ जाता है। माने ये कि आप किसी भी चीज़ को एक नाटक की तरह देखते हैं। वास्तविक है भी एक नाटक, एक लीला है। कृष्ण ने ही इसको लीला माना। राम ने जब नाटक किया था तो ऐसा दिखाया जैसे माने उसमें बहे गए थे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ लीला थी,
इसीलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। जब मनुष्य पूर्णत्व को आ जाता है तब सारे संसार की ओर वो देखता है कि एक नाटक चला, ये पागलों जैसे लोग कूद रहे हैं, उसमें वो भ्रमता नहीं, उसमें वो दुखी नहीं होता, उसमें वो सुखी नहीं होता, लेकिन आनंद की भावना में जो कि एक भावना है उसमें समाया रहता है। ये श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण की शक्ति के हम दो अंग करते हैं, एक तो लेफ्ट और राइट और एक सेंटर। सेंटर की जो शक्ति है वो विराट की ओर ले जाती है। लेफ्ट और राइट की शक्ति में से जो लेफ्ट की शक्ति है, जिस आदमी के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाए और जो सोचे कि भाई मैंने बड़ी गलती कर दी, मेरी बड़ी गलत बात हो गई, मैंने बड़ा गलत काम कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फैशन आजकल उधर बहुत है। जबकि आप डेवलपमेंट पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, तब आप में ये चीज़ सेटिंग हो जाती है। पहले तो आप एक्सट्रीम पर जाइए और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और मुझे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, जिधर आप अपना देश चढ़ा जा रहा है। और जब आप उतरने पे आ जाते हैं तब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये शुरू हो गया है कि जिसको देखो कि मैं रोते ही बैठते रहते सुबह से शाम तक, रो ही रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कहला है मेरे, मैंने बहुत पाप किए हैं माँ, मैंने ये किया। मैंने कहा छोड़ो अब वो बातें, पार हो जाओ। तो वो रोते रहेंगे उसी चीज़ को, रात दिन उन लोग का रोना सुन सुन के आदमी परेशान होता है। इतने रोते हैं वो लोग कि आश्चर्य होता है। यानी बहुत से तो लोग ये हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जाकर के हिंदुस्तान जैसे योग भूमि पर आक्रमण किया। आजकल के वहाँ के जो नवयुवक है बहुत और तरह के हैं, जिन अंग्रेज़ों को हमने पहले देखा था वो और हैं और ये दूसरे। अब ये लेफ्ट साइड में जब जाने लग जाते हैं, विशेषता इसमें मनुष्य मादक वस्तु लेने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, अब मैंने ये पाप किया है, मैंने ये झूठ बोला है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तो मादकता लेने लगता है। इसमें से एक वस्तु है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो चलती, सिगरेट और बीड़ी, उसके बाद तंबाकू, तंबाकू खाना। तंबाकू खाना भी इस शक्ति के विरोध में बहुत ज़्यादा बैठता है। आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी तंबाकू खाता है उसको सहयोग में आने के बाद में वो छोड़ना ही पड़ती है, और छूट जाती है, उसकी अपने आप से छूट जाती है। एक साथ थे, उन्होंने नहीं छोड़ी थी और वो कुछ अपनी विल पावर नहीं लगा पाए, कुछ छोड़ नहीं पाए, उससे कभी कभी चोरी छिपे वो अपना खाते रहे। एक दिन आके मुझसे कहने लगे कि माँ, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुँह ऐसा ऐसा फूलते जाता है और टेढ़ा टेढ़ा होता है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या। मैंने कहा आप मुझे मालूम है क्या बात है, आप अपनी तंबाकू छोड़ दीजिए, आज वचन दीजिए आप तंबाकू छोड़ दें। उस दिन हुआ कि उनका ये चक्र जो लेफ्ट साइड का है ये खुल गया और तब से उनकी कुंडलिनी ठीक से चलने लगे। अब इसी प्रकार आपने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग, क्योंकि ईगो ओरिएंटेड बहुत थे, पहले बहुत ईगोइस्टिकल बातें करी, वॉर किया, दुनिया भर के लोगों को मारा और अपना साम्राज्य फैलाया, सब किया। अब जो एक हद को पहुंच गया तो वहां से जो पेंडुलम चला तो दूसरे हद को चले गए। अब वहां जाकर के कहते रे बाप रे, बाप रे, हम क्या कर चुके। तो अब कैसे करें, हम इतने ख़राब, हम इतने बुरे, ये जब दिखाई दिया तो चलो शराब पियो, शराब नहीं तो ये तंबाकू खाओ, नहीं तो किसी तरह से वहाँ से भागना शुरू करें। अब तंबाकू चीज़ जो है वो कोई पीने पाने के लिए भगवान ने नहीं बनाई है। आदमी की अकल इतनी, क्या बताऊँ मैं आपसे, ये पीने पाने के लिए बनाई नहीं है भगवान ने। तंबाकू जो चीज़ बनाई हुई है ये तो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए बनाई। आप लोगों ने उसको पता नहीं कहाँ से जला लिया और शुरू कर दिया कि तंबाकू करें, लेकिन तंबाकू बड़ी हानिकारक चीज़ है। और तंबाकू से जो है और हमारा गुरुतत्व भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि पेट में जाती है और हमारा लीवर वगैरह सबको ख़राब कर देती है। और वो गुरुतत्व जो है वो हमारे सागर में भरा हुआ है, जो सागर है वो हमारा गुरु है। जब कभी भी हम गुरुतत्व के खिलाफ चलते हैं तो सागर एकदम बिगड़ जाता है और बिगड़ करके तहस नहस करना शुरू कर देता है। जब मैं एक बार वहाँ गई थी गुंटूर में, आंध्र के लोग थे, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर मेहरबानी से ये जो तंबाकू लगा रहे हो ये मत लगा। कह लगे कि हम अपने देश वालों को नहीं देते, हम तो सारे बाहर भेजते हैं। मैंने कहा तुम्हारे देश वाले, यहाँ आंध्र के लोग भी जो गरीब लोग, यहाँ आंध्र के लोग बसी लोग खूब खाते हैं और काली विद्या करते हैं, और तुम लोग इसको एक्सपोर्ट करके और सोचते बड़ा धर्म कार्य कर रहे। तो कहने लगे कि नहीं नहीं माँ, इसके बगैर तो हम लोग मर जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं मरने वाले, आप यहाँ कपास लगाइए और कपास से ठीक हो जाएगा। कुछ उनमें से वाकई में सूदने लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा माँ कपास लगाएं, हम कपास की शुरुआत करेंगे और वो काफ़ी बिजनेस उनका होगा। लेकिन मैंने जब दो तीन बार कहा, टेप पर भी मेरा है, तो फिर एक दिन जब वो बहुत मुझसे डिस्कस करने लगे, मैंने कहा खबरदार अब ज़्यादा मत डिस्कस करो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये समुद्र जो है ये तुम पे बिगड़ेगा। आपको मालूम है उसी के बाद आंध्र में कितनी ज़ोर की तूफान आएगा और कितने ही लोग तहस नहस हो गए और उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ रहे। हमेशा उस साइड में हमेशा आपने देखा कि समुद्र के बड़े बड़े तूफान आते हैं और लोग उसमें सत्यानाश हो जाते हैं। पर किसी से कहो कि तुम तंबाकू लगाना बंद करो, ये अशुभ चीज़ है, तो कोई सुनने को तैयार।
अब वो वहाँ पर सब खारी ज़मीन हो गई है, वहाँ आप तंबाकू लगा नहीं सकते, किसी तरह से तंबाकू बढ़ नहीं सकती, तो अब वो अपने नसीब को रो रहा है। सारा वो जो एरिया है वहाँ तंबाकू लगता है, और वहाँ हमेशा बड़े बड़े आप जानते हैं साइक्लोन्स आते हैं और वहाँ मारते हैं। जिस दिन लोग इस चीज़ को समझ लें कि तंबाकू लगाने से और काली विद्या करने से समुद्र हमसे नाराज़ हो जाता है, उस दिन वो समझ जाएंगे कि कितना परमेश्वर का हमें आशीर्वाद है, कितने सुंदर हमारे पास ज़मीन है, उसका उपयोग हम कोई और चीज़ करने लगे। लेकिन मनुष्य को छोटी चीज़ में समाधान नहीं होता, वो चाहता है कि सारे संसार की जितनी भी संपत्ति है मैं ले लूँ, पर यह भी नहीं देखता कि जिसके पास है भी संपत्ति वो कौन बड़ा सुखी बैठा, वो कौन बड़ा आनंद में बैठा। तो ये लेफ्ट साइड की जो शक्ति है, जिसको कि हम विष्णु माया की शक्ति कहते हैं, ये बहन की शक्ति, श्री कृष्ण की बहन की शक्ति है। जो विष्णु माया आप जानते हैं, उनकी जो बहन मारी गई थी और जो आकाश में जा करके जिसने आकाशवाणी की थी कि तुम्हारा अभी भी मारने वाला हत्यारा अभी भी जीवित है, वही विष्णु माया की शक्ति ये है। और ये बहन के रिश्तेदारी की बात, अगर आपकी बहन बीमार हो तो आपका ये चक्र पकड़ जाए, आपके बहन पे कोई तकलीफ हो तो ये चक्र आपका पकड़ जाए। अगर आपकी रिश्तेदारी बहन के मामले में आप ठीक ना, मैंने किसी को बहन मानते और आपकी नज़र ख़राब, आजकल के लोगों के ये चक्र बहुत ख़राब रहता है, क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं है। अपनी पत्नी के अलावा सब औरतों को अपनी बहन या माँ मानना चाहिए। ये जो शास्त्रों में लिखा है, लोग हंसते हैं ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग कुत्ते हो गए ना, कुत्तों को तो समझ में आती नहीं है बात कि इस तरह से भी कोई पवित्र होता है। आप करके देखिए कि सिर्फ आप अपनी पत्नी छोड़ करके किसी भी बहन औरत अपनी बहन और माँ मानी, देखिए कितना संतोष आपके अंदर आएगा, कितनी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कितना समाज सुगठित हो जाएगा। अभी देखिए, पहले के समाज में कितने ही लोग घर में आते थे, रहते थे, कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता था। विशेषतः विलायत में देखिए, विलायत में यह हालत हो गई है कि हमारे एक शिष्य थे, उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी, उनकी माँ की उम्र थी कोई समझ लीजिए 42 या 43 की रही होगी। उनके घर में इनके एक दोस्त साहब घर में रहने को आ गए, तो वो उनकी माँ उनके साथ भागे, वो साहब उनसे 24 साल की उम्र की थे, 2 साल छोटे थे, उनके साथ उनकी माँ भाग, माने किसी चीज़ का सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ही नहीं रह गया। आप सोचिए कि लड़के का दोस्त घर में आए, वो माँ को लेके भाग। अभी आने से पहले एक हमने पढ़ा आर्टिकल जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे, 17 साल के लड़के ने अपने माँ से शादी कर ली और जा करके भी कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं दोनों माँ बेटे कि हमारा मंजूर होना चाहिए कि हमने शादी की। ये सारी लेफ्ट साइड की जो अपवित्रता है, ये हमारे सिनेमा वालों में भी अकल नहीं, वो इतना पाप कर रहे हैं उसका उनको फल भोगना पड़ेगा। सबको ये सत्य उग है, इसमें सबको अपने पाप का फल भोगना पड़ेगा। इस तरह की जो हमने अपनी अपवित्र हालत कर ली, हमारी शक्लें देखिए कैसी है, कोई उसमें न तेजस्विता है, न उसमें कोई भोलापन है, न उसमें कोई सादगी है, एक तरह से हर समय आँखें चलाना। अब ये जो आँखें चलाने की बीमारी है, ये भी कृष्ण शक्ति से ही दंडित होती है। आप देखिए कि हर समय मनुष्य आँखें चलाते रहते, आंखें चलाने से आपके अंदर भूत घुसाते, आपको पता नहीं लेफ्ट साइड से अगर आपके अंदर भूत घुसाएं तो आपकी आंख, आप कुछ करते ही नहीं, आंख चलाने से आप करते क्या, सिर्फ आंख चला रहे हैं। आंखें चलाने से आपको कुछ आनंद तो आता ही नहीं है, उसमें एक मिथ है, उस मिथ में आप घूम रहे हैं, आंखें इधर से उधर चल रही है, इसको देख रही, उसको देख रही, उसको देख रही, और आपका जो विशुद्धि चक्र है लेफ्ट साइड में पकड़ा जा रहा है, और इस लेफ्ट साइड को पकड़ने से आपके अंदर गिल्ट बनता जाएगा हर समय, आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते आदमी को। इसीलिए पहले हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पिता माता कहते थे कि आँख अपनी ज़मीन पर रख के हमेशा चलना चाहिए। आपने सुना है कि लक्ष्मण जी ने सिर्फ सीता जी के पाँव के ही अलंकार देखे थे, उससे ऊपर उन्होंने देखे नहीं थे। क्या उनको वो कोई दुष्ट आदमी थे या कोई वो बुरे आदमी थे, पर एक कानून था कि आँख अपनी नीचे करके चले। शहनशाह लोग जो होते हैं हमेशा आँख नीचे करके चले, जो बिल्कुल हमेशा भिखारी और भूत जैसे रहते वो इधर उधर देखते चलते। जो आदमी खुद अपनी शान में प्रतिष्ठा में होता है उसको क्या पड़ी हुई किसी को क्या देखने की। और आपको पता होना, जैसे ही आप दूसरे को देते हैं उसकी जो दुर्गंध है, उसकी जो बुराइयां हैं, उसके अंदर बसे हुए जो कंडीशनिंग है आपके अंदर आ जाती है। और ये इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है लोगों में, इस कदर लोग इससे भरे हुए हैं, वो समझते नहीं कि हम इससे आंखें कैसे बचा लें। इससे आंखें लाल हो जाती हैं, आदमी की आंखों में कमजोरी आ जाती है, आँख बहुत तकलीफ देने लग जाती है, तभी बताया जाता है कि आप घास पर चला करें, पृथ्वी माँ पर चला करें, यह आपकी माँ है। माँ को जानने से ही आप अपनी बहन को भी समझें। जब तक आप अपनी माँ ही को नहीं जानिएगा तो बहन को नहीं समझ सकते। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप अपनी आँख नीचे नतमस्तक होकर के रखें और रास्ते में चलते वक्त या किसी की भी और पूरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये पाप है। और गुरुओं ने भी इसे बताया, दाउ शैल्ट नॉट कमिट अडल्ट्री। क्राइस्ट ने आकर के उसका और वहाँ पो करके कहा कि यू दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आई।
उन्होंने साफ कह दिया कि एडल्ट्रस आईज आर इक्वली इविल एज एडल्ट्रस लाइफ। इस पवित्रता पे उन्होंने आपको पहुंचा दिया और उम्मीद की थी, लेकिन आज जहां संसार पहुंचा हुआ है, हम ये बात भी पहुंचा हुआ बुरा मान जाते हैं, पर आप कोशिश करके देखिए, देखिए अपने जीवन में और सबके जीवन में इतनी सरसता और इतनी सौंदर्य आ जाए। ये आंखों का चलाना और इस तरह से अपने को नीचे गिरा लेना, इसको कि आगे जाकर प्रोस्टिट्यूशन आदि, अब आजकल के जो गाने हैं औरतों का बैठ के गाने का ढंग आदि वगैरह सब में इस कदर छिछलापन और इस कदर अपने को चीप कर लेने की तरीके हैं कि समझ में नहीं आता कि खासकर हमारे मिडिल क्लास के लोगों को इसकी क्या पड़ी। अति पैसे वाले तो बचने नहीं वाले, वो तो जाएंगे चूल्हे में, उनके पास तो साधन ही मिल गया। जिसके पास अति पैसा आ गया अब उसको तो लगता है क्या करूँ क्या ना करूँ, इस पैसे को कौन से गड्ढे में डालूँ और उसके साथ मैं भी कूद जाऊँ। जैसे ही उसके पास पैसा आ जाता पहले सोचता है मैं रेस में जाऊँ कि ये करूँ कि वो करूँ। आज इसलिए मैं पाप पुण्य की चर्चा कर रही हूँ क्योंकि गुरु की बात हो रही, पाप पुण्य का विचार आपको इस विशुद्धि चक्र पे आता। पाप और पुण्य क्या, अगर आपको पाप और पुण्य का विचार विशुद्धि चक्र तक नहीं आया तो आप काम से गए, आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। संसार में पाप और पुण्य दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये सोचते माँ वो इतना पापी आदमी, लेकिन देखो उसकी कितनी प्रगति। मैंने कहा तुम उसके घर में जाकर, उसके जीवन में जाकर क्या उसकी प्रगति हुई। जिस आदमी के मुख पर जरा भी आनंद नहीं, जिसका नाम लेते ही रोग कहते बाबा किसका नाम ले लिया, जिस आदमी के पीठ पीछे कभी भी कोई आदमी अच्छी बात नहीं कहता, ऐसे आदमी चरित्रहीन और ऐसे गिरे हुए लोगों को आप अगर आदर्श मानिएगा तो आपका भी ठिकाना हो जाए। हमारे सहयोग में आप जब पार हो जाइएगा तो अपने आप से आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आप स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा को जानिएगा, क्योंकि आप हैं, आप बहुत प्रतिष्ठित हैं। आप जानते नहीं कि परमात्मा ने कितनी मेहनत से चक्र आपके अंदर बनाया, एक एक चीज़ को कितनी सुंदरता से बनाया है और उसको किस तरह से घड़ाया है और ये कुंडलिनी को किस तरह से सुव्यवस्थित रखा हुआ है। आप अपना ही अपमान कर रहे हैं, अपने ही को नीचे गिरा रहे हैं। आप अपनी कीमत समझें, अपना बड़प्पन समझें, अपनी हालात को आप समझें कि आप तो सारे संसार के फूल हैं और आपको फल में बदलना है। अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि आप ही परमात्मा के वरेण्य हैं, परमात्मा आप ही को मानता है और आप ही के सामने झुक रहा है और आपसे कह रहा है कि आप इसको पा लीजिए जो आपका श्रेय है। श्रेय को पहचानना भी मनुष्य की सुबुद्धि से होता है। जब तक उसके अंदर दुर्बुद्धि बनी रहेगी वो कर नहीं सकता। यह सुबुद्धि भी विशुद्धि चक्र के जागृति से होती है। जब मनुष्य अपने विशुद्धि चक्र में जाग उठता है उसके अंदर अपने आप सुबुद्धि आ जाती है, उसके अंदर बैलेंस आ जाता है। एक तो होती है दुर्बुद्धि, एक होती है कुबुद्धि और एक होती है सुबुद्धि। बुद्धि से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बुद्धि गधी भी हो सकती है और बेवकूफ़ भी हो सकती है। बुद्धि से रैशनैलिटी से एक आदमी चोरी करता है, वो कहता है मैं क्यों ना चोरी करूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास है तो मैंने चोरी कर ली, क्यों ना करूँ मैं, रैशनैलिटी आ गई। रैशनैलिटी जो है वो हर एक चीज़ को रैशनलाइज कर सकती है, लेकिन सुबुद्धि जो है वो कहेगी कि नहीं, दूसरे की चीज़ उसकी अपनी है, मेरी चीज़ मेरी अपनी है, मेरी चीज़ में जो मज़ा आ रहा है उसमें है। और ऐसे भी चीज़ किसी की कोई होती ही नहीं, किसी की कौन सी चीज़ है, सब यहीं छोड़ के जाना है। ये तो दिमागी जमा खर्च है, ये मेरी चीज़ है तुम्हारी चीज़ है, वह रजिस्ट्रार के ऑफिस में लिखा हुआ है, जाते वक्त तो यूं ही जाने का, जाते वक्त तो मनुष्य यूं ही जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है। एक ये साधारण बात है, उसके पीछे क्यों इतनी मारो धार कर। अब राइट साइड की जो हमारी चक्र है, जिसको कि राइट साइड का विशुद्धि चक्र का ये है, वो श्री कृष्ण और राधा की शक्ति से बना हुआ। श्री कृष्ण और राधा की जो शक्ति है उससे जब मनुष्य उसके विरोध में खड़ा होता है, जब वो श्री कृष्ण के विरोध में खड़ा होता है तो वो कंस जैसे हो जाता है कि मैं ही बड़ा राजा हूँ और मैं ही बड़ा भारी लीडर हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। जब उसके अंदर अहंकार कंस के जैसा भर जाता है, जो कि अपनी सगी बहन को मारता है, अपने बहनों ही को मारता है, अपने बहन के बच्चों को मारता है कि किसी तरह से मैं सबके ऊपर में राज्य करूँ, उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती, उसको राइट साइड की विशुद्धि की पकड़ होती है। लेकिन राइट साइड की विशुद्धि की पकड़ सबसे पहले शुरू होती है जब आपको जुकाम हो जाता है। अभी जुकाम के लिए सब लोग बताते हैं कि तुलसी बहुत अच्छी होती है, उसकी वजह ये है कि तुलसी की शक्ति हमारे लेफ्ट साइड में है, वो बैलेंस कर देती है हमारे राइट साइड को। अर्थात जुकाम वगैरह होना ये तो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, पर हमारे सहयोग में जुकाम की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है और उसके लिए भी आप अगर जान लें तो लोग बता देंगे किस तरह से आपका सर्वसाधारण जो जुकाम है, साइनस वगैरह के ट्रबल्स हैं, ये सब ठीक हो सकते हैं और इसको आदमी ठीक कर सकता है। लेकिन जो बीच में शक्ति जिसे विराट की शक्ति कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज संसार में जहाँ भी लोग कुछ खोज रहे हैं, जहाँ पर कि मनुष्य परमात्मा की खोज में लगा है और सत्य की खोज में लगा है, वो अपने होलसमनेस को, अपने विराट को खोज रहा है।
वो ये खोज रहा है कि मैं उसका अगर एक हिस्सा हूँ तो मैं उसको खोजूं जिसका मैं हिस्सा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर वो चीज़ जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं वो अभी तक आई नहीं। हम कहते हैं आप भाई हैं, आप बहनें हैं, बड़े बड़े लेक्चर देंगे, यूएन स्थापित हुआ है इसी बेसिस पे। माने इंसान का ऐसा है कि जो आगे होने वाला उसका नाटक पहले कर लेते हैं, जैसे रिहर्सल ना हो। यूएन मुझे उसी तरह का एक रिहर्सल लगता है कि आप भी भाई हैं, आप बहन हैं, आप सब लोग भाई बहन हैं, सब लोग सामूहिक एक है। वास्तविक अभी तक ये सिर्फ झूठ बात है आपके लिए, हमारे लिए नहीं। जब आप सहयोग में आ जाते हैं तो आपकी सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है। सामूहिक चेतना जागृत होते ही आप महसूस करने लगते हैं कि दूसरा जो है वो मेरे अंदर है और मैं उसके अंदर। आप खुद अपने को देखने लगते हैं, क्योंकि जब एब्सोल्यूट पॉइंट आपको मिल जाता है तो आप रिलेटिव देखने लग जाते हैं कि आप कहाँ हैं उस एब्सोल्यूट पॉइंट के इसमें और वो कहाँ है। अब सादे शब्दों में बताना ये है कि ये जो आपकी उंगलियों के ये चक्र हैं ये सब जागृत हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये सातों चक्र लेफ्ट सिंपथेटिक पर और सातों चक्र राइट सिंपथेटिक पर जागृत हो जाते हैं। जब जागृत हो जाते हैं तो उसमें क्या महसूस होने लग जाता है, उसमें ऐसा महसूस होता है, अगर समझ लीजिए एक आप कोई खड़े हैं उनके सामने, ऐसे मैं हाथ को खड़े हैं उनके सामने जाऊंगी कि इनको क्या बीमारी। वो कैसे समझ लेती हूँ कि समझ लीजिए मेरे घर राइट हैंड साइड की इस उंगली में चमक आई या कुछ गर्मी सी लग रही तो मैं जान जाऊंगी इनका लिवर खराब, क्योंकि ये जो है ये नाभि चक्र है राइट हैंड साइड का और नाभि चक्र राइट हैंड साइड पे लिवर का स्थान है। और फिर बाद में तो उसकी छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी भी आदमी पकड़ लेता है, यहाँ तक कि जब आदमी आगे बढ़ता है सहयोग में तो उसके अंदर वैसी ही भावना आने लग जाती है जैसे दूसरे में। मैंने थोड़ा सा लगता है लिवर में हेवीनेस है तो आप पूछते हैं कि आपके लिवर है, कहना हाँ। आप अपने ऐसे ऐसे रगड़िए उसका लिवर भी ठीक होगा आपका। किसी आदमी का सर दर्द हो रहा है आप उसके पास गए आपके भी सर में थोड़ा सा भारीपन, कहना आपके क्या सर दर्द हो रहा है, कहना हाँ। अच्छा, उन्होंने अपना सर ऐसे ज़रा सा ठीक कर लिया और उसके बाद में आप देखिएगा उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। माने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर आती है, ये सामूहिक चेतना आती है, ये सब्जेक्टिवली आती है, यानी ये असल में आती है, एक्चुअलाइजेशन होता है इसका, ये सिर्फ बातचीत नहीं होती, हो ही जाता है। आपका जो चेतना का स्तर है वो इस स्तर पे आ जाता है, एक नया आयाम उसके अंदर खुल जाता है जिसके अंदर आप सामूहिक चेतित हो जाते, वो कहना नहीं पड़ता। एक छोटा सा बच्चा भी रियलाइज होल होगा वो भी बताएगा कि नानी इनको देखिए इनके हार्ट में पकड़ा रहे, अगर ये उंगली पर पकड़े तो हार्ट आपका पकड़ रहा है, हार्ट पे प्रेशर है। ये तो फिजिकल हो गया, इमोशनल भी आप बता सकते हैं। कोई आदमी अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से तो बड़े चाहने लगते हैं, अंदर से एकदम पागल होते हैं, उनके पास जाए तो दो झापड़ मारते हैं आपको, लेकिन अगर आप रियलाइज हो रहे तो आप फौरन जानिएगा ये पागल है, ये आप समझ जाइएगा वो भी आज्ञा चक्र कहाँ है, यानी लेफ्ट साइड के जितने भी चक्र जब पकड़ते हैं तो उस पर कोई ना कोई मानसिक विकृति आ गई, कोई ना कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है जिससे लेफ्ट साइड के आते हैं, राइट साइड के जब आते हैं तो फिजिकल और इमोशनल होते हैं। ये अपने विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। अब बहुत से लोग पार हो जाते हैं पर उनकी अंदर वाइब्रेशंस वो फील नहीं कर पाते, इसका कारण है विशुद्धि चक्र की खराबी होना। क्योंकि विशुद्धि चक्र मैंने बताया आपसे सिगरेट से बहुत खराब होता है, शहर के वातावरण में आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो भी एक आपके समझ लीजिए पिताजी सिगरेट पीने वाले हुए कुछ हुआ तो यहाँ पर जा करके ये जो विशुद्धि चक्र है यहाँ खराब हो जाता है। जब विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है तो उसमें निकलने वाली जो दो नसें हैं जिससे कि हमारे अंदर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जब चेतना आती है, जब हम चेतित भी होते हैं तो भी हम उसको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारी संवेदना कम हो जाती है। हमारी संवेदना इस चक्र से बढ़ सकती है अगर ये चक्र पूरी तरह से जागृत हो। इस चक्र के भी मंत्र हैं वो समझ लेना चाहिए, उस चक्र की जागृति करने के लिए जो मंत्र कहे गए हैं बतलाए गए हैं वो कहने से ये चक्र जागृत होता है। पर सबसे कमाल का मंत्र जो विशुद्धि चक्र का है वो ये उंगलियाँ दोनों विशुद्धि चक्र की हैं, इसको कान में डाल करके अगर आप सर पीछे करें और अल्लाह अकबर 3 बार कहें तो आपका चक्र साफ हो जाता है, क्योंकि अकबर जो है वो विराट है। मोहम्मद साहब ने विराट की बात करी थी, कृष्ण की बात करी थी, लेकिन कौन सुनता है? उन्होंने जो भी कुछ आपको बताया कि इस तरह से हाथ करिए और फिर नमाज पढ़िए, सारा कुंडलिनी जागरण है, लेकिन इन मुसलमानों को जाके कोई बताए तो मुझे मारने को दौड़ेंगे। मोहम्मद साहब भी दत्तात्रेय, साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण थे, और मैं कहती कि कुंडलिनी जागृति में जितना उन्होंने गहरा काम किया किसी ने, शैतान को कैसे निकालना चाहिए उन्होंने जो जो तरीके बताए, एक से एक अभिनव है, और अधिकतर सहयोग में हम इस्तेमाल उन्हें भी करते हैं अधिकतर। हालांकि हमारे पास में आदि शंकराचार्य जैसे लोग हैं जिन्होंने कि बड़ी कमाल की चीज़ें लिख दी हैं और जिसकी उनकी जो बारीकियां हैं उन सब बारीकियों को अगर आप फॉलो करें तो सहयोग में आप पूरी पूरी तरह से बिल्कुल स्थित हो जाते हैं। हमारे ऊपर अनेक उपकार इस देश पर इन संत साधुओं के और इन बड़े बड़े अवतारों के, ऐसे ऐसे महान अवतार जिस योग भूमि में हुए हैं, विशेषकर इस पुण्य भूमि में जिसे कि हम महाराष्ट्र कहते हैं, अनेक संत साधुओं ने अपना रक्त सिंचन किया।
इतनी मेहनत आप लोगों पे की है कि ज़रा से इशारे पर आप लोग पार होते हैं। खासकर जब मैं गांव में जाती हूँ तो देखती हूँ कि हज़ारों के हज़ार तादाद में चल जाते हैं। अब देखिए, आप ही देख सकते हैं कि हमारे लेक्चर ही में कितने लोग आए। यहाँ से शुरुआत है, लोगों को सत्य की पहचान नहीं, सत्य के और खिंचाव नहीं है उधर जाने के लिए। अभी कोई आदमी कहे कि आपको मैं कपड़े उतार के नंगा नचाऊंगा, आप सब वहाँ चले जाएँ, पैसा दे के आप नाच के वहाँ से आएंगे और बड़े खुश होंगे, वाह वाह क्या मजा है। ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए सहयोग नहीं। जो लोग गंभीर हैं, जो जिनका कैलिबर है, मराठी में जैसा कहते हैं कि येरा गबाड़ा से काम नो है, कोई आपके अंदर वो जब तक उसकी पूरी तरह की श्रद्धा और उसके अंदर प्रतिष्ठा अपने प्रति न हो तब तक ये काम नहीं होना। जो मनुष्य स्वयं ही अपने प्रति अश्रद्धा रखता है और अपने तरफ हीनत रखता है, जो छोटी छोटी चीज़ पे बिक जाता है, जिसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना असत्य से बहुत ही आसान चीज़ है, उसके ऊपर सहयोग नहीं चलता। सहयोग एक साधारण मनुष्य हो, बहुत ज़्यादा विद्वान वगैरह होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन दिल का पक्का होना चाहिए, शहंशाह आदमी होना चाहिए, ऐसे आदमी पर सहयोग यूँ काम कर जाता है। अब आपको कृष्ण शक्ति पर मैंने कहा कि बताने को रहूँ तो अभी 7 दिन चाहिए पूरी तरह से उसके सारे 16 पर्दे खोलने के लिए, और बताने के लिए काफ़ी चीज़ चाहिए। कुंडलिनी क्या चीज़ है आज तक आपको पता नहीं, आपने देखा नहीं, जाना नहीं, वो आप अपने आँख से देख सकते हैं, उसका स्पंदन आप देख सकते हैं, उसका चढ़ना आप देख सकते हैं, ब्रह्मरंध्र का टूटना आप देख सकते हैं। अब ये चीज़ अलग ही हैं जो आपने जानी नहीं, पराई चीज़ें हैं, अभी आपने जाना नहीं, लेकिन हैं। जैसे कि यहाँ पर अनेक चित्र हैं, इस वक्त आप नहीं देख पाते, आप टेलीविज़न लगाइए आप देख सकते हैं, अनेक यहाँ संगीत हो रहा है आप देख नहीं सकते, आप रेडियो लगाइए आप सुन सकते हैं। उसी प्रकार यह अलग ये शक्ति परमात्मा की सब दूर विराजमान है, अणु रेणु हर चीज़ में परमात्मा की शक्ति भरी हुई, मनुष्य उसको नहीं जान पाया। अब उसकी कुंडलिनी अगर जागृत हो जाए, उसका अगर कॉर्ड मेन से लग जाए, तो फिर उसका परमात्मा से संवाद शुरू हो जाता है। फिर इन्हीं हाथों पर, जिनको कि आप सोचते हैं कोई विशेष चीज़ नहीं, इन्हीं हाथों पर आप जान सकते हैं। आप सब हाथ इस तरह से करके पूछें, क्या संसार में परमात्मा है? आप देखेंगे आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें चलने पड़ती। इस मामले में मैं कहूँ कि बाइबल में जॉन्स रेवलेशन पे बहुत कुछ लिखा गया है कि जो आदिशक्ति है उसकी पहचान क्या है, क्योंकि क्राइस्ट के बाद ही ये कार्य, क्राइस्ट के बाद उन्होंने काफ़ी लिखा हुआ है कि किस तरह से ठंडी ठंडी लहर, कूल ब्रीज उनसे आनी चाहिए, ये उसकी पहचान है। और आप लोग भी इसको धीरे धीरे जानें। इस पर दूसरा काम जो किया हुआ है क्राइस्ट के बाद, वो शंकराचार्य का है। शंकराचार्य ने भी, आदि शंकराचार्य कहने में, उन्होंने भी सौंदर्य लहरी नाम से इसको वर्णित किया हुआ है। आप इसे भी देखें और समझ लें कि चीज़ क्या। अपने प्रति एक तरह से प्रेम भाव होना चाहिए, आदर होना चाहिए, अत्यंत प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आपका जीवन व्यर्थ हो जाए, किसी भी तरह से नहीं बनाया। अगर आपका जीवन व्यर्थ हो गया तो परमेश्वर का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला, ना ही इस सृष्टि का कोई अर्थ लगने वाला। इसलिए अपने प्रति आदर भाव रखते हुए, अपने प्रति प्रेम भाव रखते हुए, और पूर्ण आशा से ही आप इस कार्य में संलग्न हो, और ज़रूर अवश्य आप सबको ही ये मिल जाएगा।